खबरनामा में अपने मेज़बान तारिक हाशमी का अभिवादन कबूल कीजिए। रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर के आए खबरनामा, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरों से कराते हैं रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं खबरनामा और डालते हैं दिन की पहली बड़ी खबर पर नज़र। मध्य प्रदेश में शिवराज के मंत्रियों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उनके बीच विवाद आए दिन सामने आते रहते हैं। राज्य में आने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी की प्रभारी मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बीच जमकर बहस हुई। यशोधरा राजे को कहना पड़ा कि ठाकुर आंखें मत दिखाओ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। इस पर भदौरिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं तो बोलूँगा, आप कोई सीएम थोड़ी हैं। उस वक्त आपको बता दें कि उस वक्त मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके बाद यशोधरा उठकर वापस कैबिनेट हॉल से बाहर चली गईं। जब लौटी तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उनको समझाइश दी और मामले को शांत कराया। विवाद की शुरुआत वन मंत्री विजय शाह के पहनावे के ढंग को लेकर हुई। शाह के कुर्ता पैजामा पहनने के तरीके से यशोधरा नाराज़ हो गईं। जब यशोधरा और भदौरिया के बीच बहस हो रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां नहीं थे। वे घटनाक्रम के करीब 15 मिनट बाद पहुंचे। तब तक स्थिति शांत हो चुकी थी। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल शुरुआत यहां से हुई कि विजय शाह ने कुर्सी पर बैठते समय कुर्ता झटकाकर इससे पैजामा और कुर्ता थोड़ा बेढंगा हो गया, तो यशोधरा राजे सिंधिया बोली कि ये क्या तरीका है शाहजी, पीछे महिलाएं भी बैठी हैं, उषा ठाकुर भी बैठी हुई हैं। विजय शाह ने कहा कि जी जी। इसके बाद अरविंद भदौरिया बीच में बोले, विजय जी आप देखा करो, वो महाराजा हैं और आप राजा हो। ये बात यशोधरा राजे को थोड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि आपको क्या बीच में बोलने की आदत है, उस दिन रेत के मसले पर भी बीच में बोल रहे थे। भदौरिया बोले, आप बोलने से नहीं रोक सकती, मैं भी तो अपनी बात रखूँगा, आप सीएम थोड़ी हैं। यशोधरा राजे सिंधिया ये जवाब सुनकर आग बबूला हो गईं और बोली कि ठाकुर आंखें मत दिखाओ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। इसके बाद अरविंद भदौरिया भी तेज आवाज में बोले। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बात रख रहा हूं और ये मेरा हक है। इसके बाद दोनों के बीच में विश्वास सारंग आ गए और उन्होंने मामले को शांत कराया। उन्होंने कहा कि आप सब शांत हो जाइए, ये सब ठीक नहीं लगता। यशोधरा कैबिनेट की बैठक कक्ष से बाहर निकल गईं, थोड़ी देर वापस लौटी। विश्वास आप दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, बैठक शुरू करिए। 5 मिनट तक सब खामोश रहे। स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 11वीं और 12वीं के 25 और 26 जुलाई से स्कूल खोलने जाने का प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लास के स्कूल भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 11वीं और 12वीं की क्लास 26 जुलाई से 50% की क्षमता से खोले जाएंगी। सब ठीक ठाक रहा तो 15 अगस्त तक छोटे बच्चों के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। उन्होंने कोचिंग संस्थान को भी खोलने की अनुमति जल्द देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी ज़रूरी है, इसीलिए सप्ताह में 2 दिन एक बैच और 2 दिन दूसरा बैच आएगा। इसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं। जनता ने अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो 9वीं और 10वीं, फिर 6वीं और 8वीं और फिर 1ली से 5वीं के स्कूल खोल सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मध्य प्रदेश के लोगों को अभी बारिश का और इंतज़ार करना होगा। प्रदेश को भिगाने वाले बादल चले गए हैं गुजरात। हवा की दिशा और गर्मी ने रोका बारिश का रास्ता। 18 और 19 जुलाई को एक और सिस्टम हो रहा है डेवलप, इससे तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसका हिसाब देना चाहिए, क्योंकि चंदा उन्होंने 1,11,000 रुपये खुद ने भी दिया है, इसलिए उनका हक है कि वो इसका हिसाब मांगें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने आपदा में अफसर नहीं, आस्था में अफसर तलाशा है। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदी में गड़बड़ी हुई है
उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय को हटाने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने भी 1,11,000 रुपये का चंदा दिया है, मुझे इसका हिसाब दें। के पूर्व मुख्यमंत्री सागर में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सागर तालाब की जमीन पर भाजपा के बड़ों नेताओं ने अतिक्रमण किया है। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का दफ्तर भी है अतिक्रमण की जमीन पर। ये मैं नहीं कह रहा, दस्तावेज बता रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर कब्जे हटाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस सागर में बड़ा आंदोलन भी करेगी। खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़ STVN इंडिया, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका रब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।